हेलो गाइस, न्यू डे स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। इन टुडेस टॉपिक वी फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मेनली डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, हर एक बिजनेस कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी में बिलोंग करता है, और क्या करता है वो सोसाइटी एक्सटर्नल फैक्टर्स है। जिस तरीके से बिजनेस के सक्सेस के लिए इंटरनल फैक्टर्स जैसे मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरीके से एक्सटर्नल मैटर भी बिजनेस के एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंपटीटर ले लो, क्लियर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ले लो, लॉज ले लो, क्लियर है, उसके बाद डिमांड ले लो, ये सब बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा अफेक्ट करती है। तो इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है हमें इस वीडियो में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टेक्निकल टर्म, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट मींस द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but they may affect its performance। मतलब ये है कि जो business environment है वो तो external factors है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे individuals ले लो, वो institutions ले लो, और other forces भी है जो business के activity को affect करती है। क्यों? क्योंकि business enterprise का उस पर कोई control नहीं होता। बस ये चीज याद रखना। एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो अगर इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो देखो, कॉम्पिटिटिव प्राइस ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर डायरेक्टली अफेक्ट्स द डिमांड। इसका मतलब क्या, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ गया, अब वो क्या कर रहा है, तुम्हारे से चीपेस्ट रेट पे वो दे रहा है, मतलब सामान को दे रहा है, क्लियर है। फिर क्या होगा, अब तुम्हारे डिमांड में तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कस्टमर तो ब्रेक करेगा, क्योंकि वो कम में दे रहा है, तो ये तुम्हें अफेक्ट किया, तुम उस पर तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकते। तो इस तरीके से एग्जाम्पल, मार्केट में कुछ ईयर पहले नोकिया कंपनी थी, उसके सामने जब उसके कंपटीटर्स अच्छे अच्छे मोबाइल फोन्स लॉन्च करने लगे, तब क्या हुआ, ये नोकिया कंपनी बीच में गायब हो गई थी कुछ समय के लिए। रीजन क्या था? रीजन तो यही था ना कि ये डायरेक्टली अफेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल फैक्टर्स आके। तो ये हो गया इंडिविजुअल्स। अब इंस्टीट्यूशंस ले लो, वो भी उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन ले लो, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई इंस्टीट्यूशन आ गया नया मार्केट में और वो फुल पब्लिसिटी कर रहे, तो अब उस चीज पे तो तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंक्रीज द टैक्स रेट बाय द गवर्नमेंट इंक्रीज द सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है, ये तो अदर फैक्टर है। अब क्या है, टैक्स रेट बढ़ गया, गवर्नमेंट पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, उन्होंने जब टैक्स रेट बढ़ाया तो अल्टीमेटली क्या इफेक्ट करेगा, तुम्हारे प्रोडक्शन कॉस्ट भी इफेक्ट करेगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो तुम्हारा मार्केट में क्या होगा, सीओपी बढ़ जाएगा, तुम्हारा रेट इन्फ्लेट कर जाएगा प्रोडक्ट का। तो इस तरीके से बिजनेस एनवायरमेंट एक्चुअली वर्क्स, क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की, क्योंकि हर एक कॉम्पोनेंट अपना अपना एक अलग फीचर्स रखती है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी एक अपना फीचर रखती है। चलो देखते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं अब फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहला डेफिनेशन क्या बोलता था, कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसलिए फर्स्ट फीचर्स एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स में क्या क्या चीजें जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसे ही बोलते हैं। तो इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल और आउटसाइड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट, कंपटीटर, कस्टमर, ये सब पे क्या बिजनेस का कभी कंट्रोल हो सकता है क्या? कस्टमर को तुम कंट्रोल कर पाओगे? उसे जब मर्जी, जहां मर्जी वो तब वहां से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकता है, क्लियर है ना, इसलिए वो बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर की, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कि मतलब जो डायरेक्टली स्पेसिफाइड है, जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिजनेस के एक्टिविटी को, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से देखना है, यहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स वर्किंग। एग्जाम्पल क्या है, बिहेवियर ऑफ कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, कोई बता सकता है ये किस चीज को इफेक्ट कर रहा है? मैं बताता हूं ना, ये प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहा है। अगर मान लो बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया,
बढ़ता है तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा ना घटेगा? सर बढ़ेगा। अगर घटेगा डिमांड तो क्या होगा? प्रोडक्शन घटेगा। ठीक उसी तरीका से अगर कंपटीटर रहा, सप्लायर अगर तुम्हें उस सही समय पर सही रॉ मटेरियल्स नहीं दे प्रोडक्शन के लिए, तुम्हारा अल्टीमेटली प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा। और जो इन्वेस्टर है, अल्टीमेट पैसा, पैसा मैटर करता है भाई प्रोडक्शन के लिए। तो इसलिए ये स्पेसिफिक फोर्सेस है जो डायरेक्टली इफेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल फोर्सेस, क्योंकि स्पेसिफिक फोर्स डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती थी, लेकिन जनरल फोर्स का मतलब है ये ओवरऑल सबको करेगी, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे मार्केट में जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट क्यों ना कर रहा हो। तो जनरल फोर्सेस ये डायरेक्टली किसे अफेक्ट करती है? देखो ये इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है, बट इनडायरेक्ट अफेक्ट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। इंडस्ट्री अगर इफेक्ट होगा ना बाबू, तो हमेशा याद रखना कहीं ना कहीं बिजनेस एंटरप्राइज इनडायरेक्टली उससे अफेक्ट होगा, क्योंकि बिजनेस एंटरप्राइज इंडस्ट्री का ही एक तो पार्ट है। अगर इंडस्ट्री सप्लाई कर रहा है तभी तो बिजनेस एंटरप्राइज चल रहा है, तो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इंडस्ट्री को जनरल फोर्सेस, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है बिजनेस एंटरप्राइज को। एग्जाम्पल क्या? चेंज इन पॉलिटिकल। अगर पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल जो हमारा जो गवर्नमेंट अगर चेंज हो जाती है, उनके अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनके आने पर चेंज हो जाते हैं, तो ये डायरेक्टली इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग एक्ट है इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सारे चेंजेस क्या है, ये डायरेक्टली किसको इन्फ्लुएंस करती है? ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, ये इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती है, और इनडायरेक्टली बिजनेस एंटरप्राइज के वर्क को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट देख लो, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या? ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे चेंज इन द जनरल फोर्सेस में रिजल्ट इन द चेंज इन स्पेसिफिक फोर्सेस। अभी जैसे क्या हुआ, अगर जनरल फोर्सेस चेंज हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस पे भी तो चेंज होगा। देखो चेंज इन द जनरल फोर्सेस में रिजल्ट इन द चेंज इन स्पेसिफिक फोर्सेस। अगर इंडस्ट्री पे इफेक्ट बात आई तो भैया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे भी इनडायरेक्टली बात आनी चाहिए। तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, क्योंकि ये अगर इफेक्ट किया तो इसको इफेक्ट जरूर पहुंचेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक किसे बोलते हैं? डायनेमिक का मतलब है कि ये जो बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स चेंजिंग ड्यू टू कॉन्स्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई सीधी सी बात है, आज हमारा जो मतलब जो युग है वो क्या है? मॉडर्न युग है, मतलब मॉडर्निटी पे हम लोग बिलीव करते हैं। हर एक चीज टेक्नोलॉजी पर डिपेंड चलता है, कुछ भी चीज। आज एक फोन है, कल नया टाइप का फोन आएगा, कल उससे अपग्रेडेड वर्जन आएगा, तो क्या है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद को उस एनवायरमेंट में ढाल लेते हैं। तो इसी को ही तो हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। हम लोग स्टैटिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम लोग खुद को चेंज करते हैं, तो बिजनेस एनवायरमेंट भी खुद को चेंज करती है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस एनवायरमेंट ही पहले खुद को चेंज करती है, उसके बाद हम लोग अपने आप को चेंज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अनसर्टेन। अनसर्टेन का मतलब क्या है? जिसे तुम प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाओ। अब देखो, मान लो एनवायरमेंट डायनेमिक है, वो हमेशा चेंज कर होते जा रही है, क्या कोई प्रिडिक्ट कर पाएगा कि कल क्या होने वाला है? तो बिजनेस एनवायरमेंट का जो नेक्स्ट फीचर यही है, अनसर्टेन। कॉन्स्टेंट एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द एनवायरमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। हमेशा जो चेंज हो रही है, अपने आप का जो डायनेमिक फीचर है इसका, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेन फीचर को भी सामने लेकर के आ जाती है बिजनेस एनवायरमेंट की। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कॉम्प्लेक्स। द इंटर रिलेटेडनेस एंड डायनेमिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस मेक्स इट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इसका मतलब क्या है? ये जो इंटर रिलेटेडनेस का पहले वाला फीचर और जो डायनेमिक नेचर का जो फीचर था, ये कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अगर कुछ भी अपना प्रोडक्शन प्लानिंग या वट एवर द प्लानिंग दे हैव मेड, जो भी प्लानिंग वो लोग बना रहे हैं और एनवायरमेंट ऑल ऑफ सडन चेंज हो जाए, तो क्या होगा? वो सारा प्लानिंग धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो गया है। क्लियर है ना? जैसे अब मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे कुछ समय पहले क्या, अभी ही लेकर के बात कर लेते हैं, हुआ था जो मैगी था, वो मैगी पे बैन लगा दिया। उस पे क्या हुआ, एक प्लानिंग जो था, वो प्लानिंग जो ग्रोथ करने वाला था, वो कुछ समय के लिए डाउन हो गया। ऑल द मैगी अभी मार्केट में है। क्लियर है ना? तो बस यही है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट का एक फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं रिलेटिव। ये क्या बोलती है? देखो, द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड्स ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। बिल्कुल सही बात है। अब वेस्टर्न कंट्री एक अलग कंट्री, वहां पे एक अलग ही बिजनेस चलता है,
और इंडियन कंट्री, इंडिया का कल्चर एक अलग है, दोनों कल्चर अपने अपने तरीके से अलग अलग है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को भी इंडिया में अपनाया जा रहा है, इंडियन कल्चर को भी वेस्टर्न में भी अपनाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये है ही ना बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर, जो रिलेटिव है, जो एक दूसरे से रिलेट कर रही है, अकॉर्डिंग टू कंट्री बोलो, बिजनेस टू बिजनेस बोलो, रीजन टू रीजन बोलो, जो भी बोलो, हर एक जगह में अलग अलग स्पेशलिटी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग इतने तक में ही समाप्त करते हैं, क्योंकि धीरे 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 हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, एक बार में ऊपर से पार हो जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।